और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जांजगीर चांपा से आ रहे, जहां पे पूर्व नेता प्रतिपक्ष के भाई का शव मिला है। नारायण चंदेल के भाई शेखर चंदेल का शव मिला है। नैला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जांजगीर चांपा से बड़ी जानकारी, जहां पे पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के भाई का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शेखर चंदेल का शव नैला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला। देर रात एसपी विवेक शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से तफ्तीश कर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष के भाई का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। रेलवे स्टेशन के पास ये शव मिला है। नर्मदा घोसले ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नर्मदा, कब की ये पूरी घटना है, और क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष के भाई का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है, कभी जानकारी पुलिस को मिली थी और क्या जानकारी, जरा विस्तार से बताइए। दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे नैला रेलवे स्टेशन के ट्रैक के पास से शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। नर्मदा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नर्मदा, कब की पूरी घटना है, कब पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इस तरीके से ये हादसा पेश आया है? जी मैम, ये घटना रात तकरीबन 10-11 बजे के आसपास है। लोगों में अचानक से हल्ला हुआ, एक बॉडी पड़ी मिली थी रेलवे ट्रैक। बाद में थोड़ी देर बाद जब लोगों का हुजूम वहां पे आया, तो उसकी पहचान शेखर चंदेल के रूप में हुई। शेखर चंदेल, मैं बता दूं आपको, नारायण चंदेल है, यहाँ के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हुआ है। वो पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। काफी बड़ा नाम है प्रदेश सूबे की राजनीति में नारायण चंदेल। इनके छोटे भाई थे शेखर चंदेल। शेखर चंदेल फिलहाल स्काउट गाइड के जिला आयुक्त के पद पर भी कार्यरत थे, काफी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इनकी घटना है, पूरे शहर में सन्नाटा है। घटना के बाद पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल घटना के एक्चुअल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस जांच कर रही है। तो चलिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही होगी, और उसके बाद से हर एक एंगल से तफ्तीश के बाद, पड़ताल के बाद देखना होगा कि क्या इस घटना की इनसाइड स्टोरी निकल कर सामने आती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। दुर्ग में ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप का शुक्रवार को समापन हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खेल मंत्री टंक राम वर्मा सहित डीजीपी अशोक जुनेजा शामिल हुए। इस बार ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप की मेजबानी छत्तीसगढ़ पुलिस ने की थी। 23